हमारे साथ मौजूद है मानुष बलू। मानुष, 2004 में एक शख्स आया जिसने क्लेम किया कि वो आपका हस्बैंड है, आप उसकी वाइफ हैं। फिर आपने पुलिस को इधर उधर इदारों को कहा कि भैया पकड़ा करो, ये शख्स कौन है, वो गिरफ्तार हो गया। फिर आपके हस्बैंड भी उनके सामने गए, क्या सीन था वो? अब वो बाद में हम लोगों को पता चला कि वो बेचारे मेंटली डिस्टर्ब थे। हाँ, उसके स्किज़ोफ्रेनिक थे वो। उन्होंने अपने जहन में एक चीज़ बना ली थी कि हमारा छुप के निकाह हुआ हुआ है। खुद सोचा हुआ था उन्होंने? सोचा हुआ था। वो कभी घर तक पहुँच जाते थे। वो डेंजरस तब हो गया था जब घर तक पहुँचने लग गए, जब उनसे पूछा जा रहा था कि क्या बदतमीजी है घर में पहुंच गए, ये है असली हस्बैंड। हाँ, तो कहते हैं हाँ, बड़ा देख लिया, बड़े आ जाते हैं सब उसके हस्बैंड बन के। मेरे हस्बैंड कह रहे हाँ। तो फिर जब उनको उनके घर वालों को जब पता चला कि इन साहब को उठा लिया, तो दे टोल्ड अस कि ही इज मेंटली अनवेल एंड स्किज़ोफ्रेनिया था उनको। बट इट वाज वेरी डेंजरस कि यहाँ कोई आ जाए। तो वही ना, एक सिर्फ खवातीन के साथ क्यों होता है, कभी हमारे साथ कभी नहीं हुआ? कोई खातून आ जाए निकाह हुआ छुप के, ऐसे होता है? खवातीन भी होती है ऐसे। हाँ, केस एक जानते हैं हम, हुआ था ये खवातीन में भी है। हाँ, उसको लड़कों के साथ होता होगा, कभी नहीं। तौबा करें ना, ही हो तो बेहतर है। बस ये भी है भाई, ऐसे आपका दिल भी है तो चाकू शाकू मार देती है फिर। अरे अरे, बिल्कुल भी नहीं। मैं मेरी हुई भी है भाई।